व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पांच हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपी जो बिल्कुल इजी और क्विक आप 5 से 10 मिनट के अंदर अपना सुबह बना सकते हो। ब्रेकफास्ट हमारी पूरे दिन की सबसे इम्पोर्टेंट मील होती है क्योंकि पूरे रात हमारी बॉडी खाली रहती है, बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं जाता। तो उठने के बाद, खासकर जिम जाने वालों के लिए, इवन आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, एक हाई प्रोटीन आपको ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम भी नहीं जाते हो, एक नॉर्मल इंसान हो, अगर आप अपनी बॉडी की पूरी ग्रोथ चाहते हो तो आपकी डाइट में प्रोटीन होना ही होना चाहिए। तो दैट्स वाई नॉट जस्ट जिम जाने वालों के लिए, इवन एक नॉर्मल इंसान के लिए भी ये वाली रेसिपीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांच मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे आप चूज कर सकते हो। इवन आप हर दिन अलग अलग रेसिपी भी बना के ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं मील नंबर वन से। मील नंबर वन में हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है पनीर, ये है 200 ग्राम पनीर, ब्रेड, ये है नो मैदा ब्रेड, मतलब आटा ब्रेड का यूज करना, मैदा तो आपके अंदर चिपक जाएगा कहीं। किसी भी मील को पकाने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं जिसमें खाना सबसे बढ़िया बनता है। एक होता है घी, एक होता है बटर, एक होता है कोकोनट ऑयल, क्योंकि ये चीजें किसी भी टेम्परेचर में जाके आपके खाने को नहीं जलाती है। तो मैंने यहाँ पर आधा ये डाल दिया है, इसमें पूरा आता है। और अब हम क्या करेंगे, सिंपल पनीर को कट कर लेंगे पीसीज में। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं मास्टर शेफ से भी बढ़िया खाना बनाता हूँ। ये लाइन में तो ऐसे रख दिए, पता नहीं कैसी कुकिंग करके मानूंगा आज। तो देख रहे हो, सिंपल आपको अपने जो भी पनीर है उनको तवे पे हल्का सा फ्राई करना है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे चूरा भी बना सकते हो इसका, बट थोड़ा सा क्यूब सा लगता है ना ये पनीर का, तो दिखने में अच्छा लगता है। इतने हमारा पनीर पक रहा है तो भाई ये दो ब्रेड है, इनमें भी अगर आप चाहो तो हल्का हल्का ऑयल लगा सकते हो, बट मैं इसको ऐसे ही सेक देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी जब हमने पनीर बनाया तो तवे पे हल्का हल्का जो बटर है वो लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे ही सेकूंगा। अब दिखाने के लिए हम लेंगे एक बढ़िया सी प्लेट ताकि आपको दिखे भी अच्छा, और इस पनीर को डाल देंगे इसमें। ये देखो भाइयों, क्या बात है यार, कितना ईजी होता है खाना बनाना। और हम क्या करेंगे, ये जो दो ब्रेड है इसको यहाँ सेकने पर रख देंगे। तो आपके ब्रेड में जैसे ही ज्यादा धुआं दिखने लगे वैसे ही गैस को बंद कर दो, और नहीं तो भाई अपनी मम्मी को बुला लो, वो बता देगी अच्छे से कैसे बनाते हैं। तो ये बनके रेडी होगी हमारी मील नंबर वन। इसमें है 36 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारा हेल्दी फैट। तो ये है आपका परफेक्ट ब्रेकफास्ट मील नंबर वन। इसमें भरा पनीर। अब बारी है मील नंबर दो की, और ये मेरी फेवरेट मील है भाइयों। अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो तो ये मेरी फेवरेट रेसिपी है जो मैं पता नहीं कितने सालों से यूज कर रहा हूं इसे। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी ओट्स की। मेक श्योर जो आपके ओट्स हो वो प्लेन हो, आपको ओट्स को डालना है और इनको ब्लेंड कर देना है, पाउडर फॉर्म में बना लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सूखे डाल दोगे इसमें बाद में तो वो चिपक जाएंगे और अच्छे से पिया नहीं जाएगा शेक। ये है एक स्मूदी फॉर मसल बिल्डिंग। अब हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट, मेरे पास बादाम और अखरोट है। अगर आप चाहो तो इसे पीस भी सकते हो, इसका चूरा बना सकते हो, बट मेरे को हल्का हल्का क्रंच पसंद है स्मूदी में क्योंकि वो थिक होती है और ऐसे चबा चबा के पीने में बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं हल्का सा पीसूंगा, पूरा पाउडर नहीं बनाऊंगा। अगर आप चाहो पूरा पाउडर बना सकते हो, अगर आप चाहो तो बाद में भी डाल सकते हो बनने के बाद। अब हम इसमें डालेंगे 150 ml तक दूध और 150 ml तक पानी, और इसमें हम डालेंगे पीनट बटर। मेक श्योर वो नेचुरल हो, उसमें कोई पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या सनफ्लावर ऑयल ना हो। ये है जैगरी का पीनट बटर, इसमें गुड़ और नेचुरल पीनट बटर सिर्फ यही मिक्स किया गया है, दैट्स वाई इसमें तेल आ रखा है। और इसमें हम डालेंगे एक स्कूप प्रोटीन, ये है बिग मसल्स न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन। आप जब इसको मिला दोगे आपको एकदम चॉकलेटी फ्लेवर आएगा अपनी स्मूदी में, साथ साथ आपको जो प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें है एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम EAA। अगर आपको इसको टेस्ट करना हो, इसकी लैब टेस्ट चेक करनी हो, तो यहाँ पर ट्रस्ट सील है, इसको स्कैन करके आप इसकी लैब टेस्ट भी देख सकते हो। साथ साथ ये इन्फोर्म चॉइस से सर्टिफाइड है, मतलब इसको सारे बेस्ट रिजल्ट मिले हैं जब बात आती है क्वालिटी की। मेरा फेवरेट फ्लेवर
है, बेल्जियन चॉकलेट, और भी बहुत सारे फ्लेवर है, बट मेरे को पता है आपको चॉकलेट फ्लेवर ही स्मूदी पसंद आएगी, दैट्स वाई बेल्जियन चॉकलेट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बेस्ट प्राइस में, बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन, बिग मसल्स न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे। अब आती है इसको एक अच्छा सा बनाना चॉकलेट फ्लेवर देने की, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं इसमें एक केला। अगर आप चाहो तो फैंसी काट के डाल सकते हो, भाई मेरे को ऐसे ही डालने की आदत है तो हम ऐसे ही चलने दे रहे हैं इसको। अब जब मैं इसको डालूंगा, आप इसकी थिकनेस देखना कि ये दिखने में कितनी अच्छी लगेगी। इस स्मूदी में है 40 ग्राम प्रोटीन, 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारा हेल्दी फैट। तो रेडी हो भाइयों स्मूदी बनाने के लिए? रुक जाओ, पहले वीडियो को एंड तक देख लो, लाइक करके जाना, एंड तक देख के सब्सक्राइब करके जाना, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाना। अब हम बनाने जा रहे हैं मील नंबर थर्ड। मील नंबर थर्ड में हम यूज करेंगे अंडे का, और यूज करेंगे हम ब्रेड का, गई हमारी ये ब्रेड का। अगर आप ब्रेड की जगह यूज करना चाहो तो आप इसमें रोटी का भी यूज कर सकते हो। अगर आप हाई क्वालिटी प्रोटीन चाहते हो तो हमेशा होल एग खाया करो यार, वो अंदर का निकाल देते हो येलो। मैं अभी एक डॉक्टर की वीडियो देख रहा था, उस बंदे ने क्या बोला कि अंदर का होल एग निकाल दो तो आपको है ना अच्छा प्रोटीन मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा आपका। एक्चुअली होल एग सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन में अच्छा होता है, जो येलो पार्ट आप निकाल देते हो वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सारे विटामिंस होती है। बाकी भाई होल एग खाना स्टार्ट करो, बहुत जरूरी है, एग वाइट मत खाया करो, ठीक है? अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे हो, फैट लॉस कर रहे हो, जब मैं समझ सकता हूँ, पर फिर भी एक होल एग तो खाओ ही खाओ। और इसके हम डालेंगे इसके ऊपर एक एक एग हमने डाल दिए। अगर आप चाहो तो सेपरेटली भी ब्रेड को खा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे इसको लगा दिया आपने, ये गीला हो गया, उसके बाद आपने इस साइड से लगा दिया, ठीक है? तो ऐसे आपको दो ब्रेड की जरूरत पड़ेगी। यस भाइयों, अब जो साइड वाला ऑमलेट बचा हुआ है उसको या तो आप ऊपर डाल के चिपका सकते हो, नहीं तो भाई फैशन के चक्कर में नहीं पड़ना तो ऐसे ही खा सकते हो। ऐसे ही हम एक और लेंगे ब्रेड, और इसमें तीन अंडे का यूज करेंगे। इसमें हमने यूज किए दो अंडे, तो यहां पर हो जाएंगे हमारे 5 होल एग, जिसमें आपको डायरेक्ट 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और उसके साथ हो जाएगा आपका अच्छा खासा 20-25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट विद हेल्दी क्वालिटी ऑफ फैट। तो ये बन के रेडी हो गया हमारा एग टोस्ट। देखो इसको कहते हैं परफेक्ट एग टोस्ट, जो आपके ब्रेड की शेप में आता है। इसमें लगाओ थोड़ी सी चटनी और आपकी मील बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे मील नंबर 4, और ये मील सबसे टेस्टी मील में से एक है। ये है हाई प्रोटीन पैनकेक्स। इसमें आपको 3-4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, ओट्स, अंडा, केला, थोड़ा सा दूध और नेचुरल पीनट बटर। तो इसमें हम डालेंगे 2-3 अंडे, आपकी मर्जी है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन चाहते हो तो आप 3 अंडे डालो, अगर आप नॉर्मल प्रोटीन चाहते हो तो आप 2 अंडे डालो। तो हम डालेंगे इसमें 3, 2 स्कूप हमने इसमें ये डाल दिया। अब हम इसको वही पाउडर फॉर्म में बना लेंगे ताकि ये अच्छे से बिछ जाए तवे पे। तो ये हमारा पाउडर फॉर्म में ओट्स बन के तैयार हो गया। इसमें हम डालेंगे 3 अंडे। जो इंसान आपको ये अंदर का येलो निकालता दिख जाए तो जिंदा पकड़ना उसको। हम इसमें डाल लेंगे एक केला, हमारा ब्लेंडर ठीक ठाक है तो ये घोल देगा पूरे केले को। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध, जितना ज्यादा दूध डालोगे उतने पतले पतले पैनकेक बनेंगे, और जितना कम दूध डालोगे उतने थिक पैनकेक बनेंगे, तो वो आपकी चॉइस है। और इसमें आपको डालना है 1/2 चम्मच कोकोआ पाउडर, अगर आप चॉकलेट वाला टेक्सचर और फ्लेवर चाहते हो, इससे जो एक कलर है वो बढ़िया काला काला हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। टूटियो मत।
तो ये बन के रेडी हो गया हमारा पैनकेक, हाई क्वालिटी हेल्दी पैनकेक। क्या बात है भाइयों, एकदम डार्क चॉकलेट पैनकेक बनके तैयार है। इसको हम बनाएंगे रोटी जितना पैनकेक। ये लो भाइयों, ये लो भाइयों, तो ये बनके रेडी होगी हमारी पैनकेक रेसिपी। ये देखो रोटी बना दी तुम्हारे भाई ने, रेडी टू ईट। पर इसके लिए एक चीज की कमी है, वो है थोड़ा सा स्वाद की, और हम यूज करेंगे पीनट बटर, वो भी जैगरी वाला। ये देखो भाइयों, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रेडी होगी हमारी पैनकेक रेसिपी। इसमें आपको मिलता है 25 ग्राम प्रोटीन, 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10 ग्राम के आसपास हेल्दी फैट। तो भाइयों वेट किस बात का, लो खा लो खा लो, अपना बना लो पहले। अब बारी है मील नंबर 5 की, और ये मील बहुत ही स्पेशल मील है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको 5 मिनट का भी टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, या जो लोग बहुत आलसी है, या जो लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते कोई भी एक प्रोटीन रेसिपी बनाने में। इसमें आपको सिर्फ जरूरत पड़ेगी 2 ब्रेड की। 1 मिनट के अंदर इस रेसिपी को बनके तैयार कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चले तुम्हारा भाई कितना फास्ट रेसिपी बनाता है। तो ये है दुनिया की क्विकेस्ट रेसिपी फॉर मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, फॉर आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट। बच्चा रेडी, बताओ कितने सेकंड में बना दी तुम्हारे भाई ने बेस्ट रेसिपी दुनिया की, क्विकेस्ट। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं बना दिया तुम्हारे भाई ने क्विकेस्ट रेसिपी बनाने का? इसको क्या कहेंगे, वो पीनट ब्रेड, बनाना पीनट सैंडविच हमारा बनके तैयार हो गया है, और शायद आप 1 मिनट में भी बना सकते हो। तो आपने कमेंट में बताओ कितना टाइम लगा मेरे को बनाने में। तो इसमें आप अगर यूज करना चाहो क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा यूज कर सकते हो, मतलब 4 ब्रेड भी यूज करते हो, ठीक है। बट ये उन लोगों के लिए सिर्फ जो बिल्कुल ही आलसी है ना, मतलब जिनको ऐसे पड़े पड़े ही कुछ चाहिए भाई, या जिनको बहुत ज्यादा टाइम है कि भाई टाइम ही नहीं है बनाने का, तो ये उनके लिए है पीनट बटर ब्रेड सैंडविच रेसिपी, ठीक है। अगर हम ये 2 यूज करते हैं, मतलब एक ये हो गया और एक और यूज करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 15 से 16 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा 20 ग्राम, और फैट भी मिलेगा आपको 20 ग्राम। तो ये थी भाइयों 5 क्विक हेल्दी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपी अपने भाइयों के लिए। इसको शेयर कर दो हर जगह, दुनिया में फैला दो इन रेसिपीज को, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली तो जरूर फैलाना कि जो 1 मिनट के अंदर बनके तैयार हो सकती है। लाइक कर देना भाइयों वीडियो को, 1 सेकंड लगती है भाइयों लाइक करने में, कर दो लाइक। और जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, साथ बन जाओ और तोड़ दो सब्सक्राइब कर देना भाइयों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अपने भाई को, डिस्क्रिप्शन में लिंक क्या मिलता है अगली वीडियो में भाइयों। टिल द नॉट पीस गेंस।